बोलिए क्या प्रश्न है। पढ़िए, चल नहीं पाता भाई ठीक से, दाहिने अंगवा पूरे शरीर में कमजोरी बनी है, नसें लगातार घुल रही हैं, कंपन ठीक होगा, कृपा होगी, समय जरूर लगेगा, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, एकदम सही। उस पर भी कृपा होगी। देखो ये रेशों की बीमारी है, रेशों की बीमारी कहलाती है। रेशों की बीमारी से शरीर की हड्डियां घुलने लगती हैं व नसें चोक होने लगती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं, ठीक है। इन कारण से, इस कारण से इनके पूरे शरीर में यह इस कारण से पूरे शरीर में इनको परेशानी बनती है, वाइब्रेट होता है और ये अपने हाथों से वजन, अपने शरीर से वजन नहीं ले पाते हैं, जिसे कहते हैं संतुलन, मानसिक संतुलन बॉडी पर ना होना। ये मंत्र है, कितने दिन में ठीक होगा? समय लगेगा, निश्चित समय नहीं है परंतु समय लगेगा। जी जी, इसमें कोई संत पेशी पूर्ण करिए, जी जितनी पेशी लिखी उतनी करिए, इतने में आपको लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। चलिए जी, एक प्रश्न और, ये आगे आप पर चर्चा करिए, जिनका अर्जी था उनका लग गया। श्री सीताराम कहाँ से हैं? हिसार हरियाणा से जी, हिसार हरियाणा। क्या कह रहे थे बैठे बैठे? राम राम की माला। क्या कह रहे थे बैठे बैठे? बैठे बैठे मेरा नंबर कब आएगा? क्या कह रहे थे बैठे बैठे? ऊपर चर्चा होना तुमसे पहले। मैं तो नंबर की याद लगा रहा था जी आपसे। अब हम बता दी तुम का कहते। बोलो क्या प्रश्न है? बस एक तो काम नहीं है जी, एक बेटे की शादी में विलम्ब हो रहा है। बालक आया है? है जी। बालक आया क्या? नहीं आया है ना। पढ़िए, आप त्रासित हैं, कोई काम नहीं हो रहा, लोग लगातार पीछे पड़े हुए हैं, धनहानि है तो लोग परेशान भी करते हैं, बेटा की शादी की बाधा बनी हुई है, आज से ही कृपा होगी, बालाजी दया करेंगे, बेटा की शादी, आपके बच्चे की शादी जो होने हैं वो अगले वर्ष होनी है, ठंडियों में बेटे की शादी का योग है, उत्तर दिशा में बेटे का विवाह होगा, रिश्तेदारी के माध्यम से बेटे की शादी तय होगी और जिस बच्ची से शादी होगी उसका नाम संजना होगा, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। व्यापार पर आज से ही कृपा होगी, वहां पर बैठे बैठे आप कह रहे थे अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हम नहीं आपके पास आएंगे फिर कभी, ठीक है, लेकिन हम तो मैं बुला के रह भी एक ईश्वर जीवन भर चाहे जो हो जाए। सीताराम नाम भगवान की, वो भी ठीक होगा। कुंभ राशि पड़ेगी जिस लड़की से शादी होगी। अच्छा जी, कुंभ राशि, ठीक है जी, ये राशि का नाम होगा उसका संजना। हाँ, और पीड़ा ठीक होगी, बेटा को दर्शन करवाना, बेटा को एक बार जो है दर्शन करवा दीजिए, ठीक है जी। हनुमान जी पैसे भी रुक रहे हैं जी, उसके पैसे रुके हुए हैं। ये मंत्र का जाप, ठीक है जी, तीन माला करें, आशीर्वाद। अभी करनी है जी? रोज करनी है, अभी नहीं हो, धाम की पेशी हो, जीवन भर आऊं तो मैं हम नहीं छोड़ रहे, आओ, ठीक है जी, तुम चाहे जो कर लो। बिल्कुल जी, खुश रहो, आराम लगे माई, खुश रहो। बालाजी पूछ घुमा बे, बागेश्वर धाम प्रभु पूछ घुमा बे। श्री राम नाम भगवान की, खुश रहो। व्यापार के लिए आप तैयारी और तेज करो, हाँ, बढ़िया व्यापार करो, खूब बढ़ो। आ जाओ, जॉन गोली मार रहे थे, आओ, हाँ तुम ही खड़े हो जाओ, बताओ ये हमें गोली मार रहे थे। अरे हम तो हंस रहे हैं, हंस रहे बेटा, बाबा हम तो हंस रहे, दादा हमारा स्वभाव ऐसा है, का करत आगी को लगो, गांव के देहाती तो आए हम, पढ़े लिखे कम हैं, गांव के देहाती पड़ गए, सुजा सो मोह में आऊ सो कात रही थे। विराज कहां से हैं? सवाई माधोपुर। अच्छा, राजस्थान में पड़ता है जी। माइक लीजिए भगवान। दयालु पहली बार आए दरबार में? बागेश्वर पहली बार मौका। अच्छा, धाम नहीं गए? अब जाना है? हाँ जी। तभी कछु होने? बहुत लालायित हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात, नजदीक आ जाओ ताकि पढ़ सको आप। बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी क्या अर्जी? बहुत ही संकट चल रहा है। क्या हुआ? शारीरिक आर्थिक मानसिक दैहिक भौतिक सब। अरे और बेटा सिस्टर के साथ उसमें केस में बंद है।
बेटा विचित्र है एवं एक केस लगा हुआ है जिसका प्रश्न लेकर के आए हैं, निकल आएगा, बालाजी पूछ घुमाएंगे, वह वह सुधर जाएगा, आगे चल के सुधर भी जाएगा, आशीर्वाद है। मेरी सिस्टर और हाँ बेटा रूप शंकर दोनों पर, दोनों पर कृपा होगी, पहले बालक पर हम बहुत जानकारी है, हमें षड्यंत्र किया गया है, षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है, भगवान जाने अब फंसा दिया, मतलब हम कुछ नहीं कहते हैं, क्या है कि ये माइक है, प्लेटफॉर्म है, किसी का भी वो कहना। काय का लगाया है वो केस? वो किक लड़की का लगाया है। माइक से बोलो, मेरे बेटे पर अपना तो जाओ ना, बोलो हाँ या ना, पढ़ भर लो इसको, पढ़ू हाँ सही है, इसमें लिखा जो सही है, कहाँ से तुम इसमें बेइज्जती हो, बाकी पतो तो सब है ही, सन्यासी बाबा की देखो, बालक भी विचित्र है, बात नहीं मानता, उपद्रव करता रहता है, इसमें 40% उसकी भी गलती है, बाकी राजनीतिक षड्यंत्र है। दो, उन्हीं कारणों से आपके व्यापार में अवरोध है। तीन, ये अवरोध का मूल कारण है कि आप पूर्व में जो है पूर्ण रूप से समय दिया करते थे, अब बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते इन्हीं झंझटों के कारण, व्यापार काज में ध्यान नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, जिसका दुष्परिणाम है। चौथा, बालक सुधरना वर्तमान में मुश्किल है, तो उसके पीछे ना पड़ के आप अपने जो है व्यापार पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें और व्यापार बदलें, और बदलने के लिए 8 माह का समय है, 8 माह बाद आपकी गति तेज होगी, 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 ये आशीर्वाद।